अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। इसमें क्या होता है कि इसमें सिलेक्टिव लाइंस होती हैं, उनकी बुनियाद पे हमारे पास जो इनपुट आ रही होती है उसमें से सिलेक्ट की जाती है कि कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट स्क्रीन जो है लाइन उस पर ट्रांसफ़र होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि आपके पास एक मल्टीप्लेक्सर है, इसमें सिलेक्टिव लाइन वन है, एक ही सिलेक्टिव लाइन है। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है। मतलब कि एस जो है सिलेक्टिव लाइन वन है तो इस पे जो इनपुट लाइन्स हैं वो दो हो सकती हैं। दो इनपुट लाइन्स में अब फैसला होगा कि कौन सी जो है लाइन्स का इनपुट जो है वो आउटपुट के ऊपर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, ये इसका मेन रूल है। मींस कि जो सिलेक्टिव लाइंस है ये इनकी जो तादाद है वो हम 2 की पावर में लेंगे। अगर 1 है तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, मतलब 2 इनपुट लाइन में से एक सिलेक्टिव लाइन के ज़रिए हम 2 डिवाइसेस से आने वाला डाटा उसको देख सकते हैं और उसको जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे आउटपुट लाइंस पे। अगर 0 है तो इनपुट 0 वाला जो है वो डाटा आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर सिलेक्टिव लाइन की वैल्यू 1 है तो इनपुट 1 वाला जो डाटा है जो भी आ रहा है वो हम आउटपुट स्क्रीन के आउटपुट लाइंस के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें एक से ज़्यादा इनपुट लाइंस होती हैं, आउटपुट लाइन सिंगल ही होती है, और सिलेक्टिव लाइंस की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करते हुए क्या होता है जी आउटपुट प्रोड्यूस होती है। ये जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई ये 1/2 मल्टीप्लेक्सर था। अब मैं आपको ऐसा मल्टीप्लेक्सर बना के दिखा रहा हूँ जिसमें जो है डाटा लाइंस हमारे पास 2 है, मतलब n की वैल्यूज जो है वो क्या है 2 है। ये हो गई हमारे पास S0 सिलेक्टिव लाइन और ये हो गई सिलेक्टिव लाइन 1। आउटपुट हमेशा लाइन जो है वो सिंगल ही होगी, उसको आप Q से Y से S से किसी से भी जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सिलेक्टिव लाइंस जो है वो 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो जो हमारे पास इनपुट्स लाइन है वो 2 की पावर 2 मींस 4 जो है वो हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं। ये इनपुट्स लाइन जो है D0 या I0, I1 और इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है जी, ये जो है आपके पास 1/4 जो है मल्टीप्लेक्सर है। 1/4 इसको कैसे कहा जाए, क्यों कहा जाता है? 1/4 इसलिए कि आउटपुट लाइन 1 है और इनपुट लाइन जो है वो कितनी है 4 है, तो ये 1/4 मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है। ठीक है, अब इनपुट लाइंस की तादाद डिपेंड करती है सिलेक्ट लाइंस। अगर सिलेक्ट लाइंस 3 हो तो 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, मतलब 8 इनपुट लाइंस में से जो है हम डिज़ाइन कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर के किस जो है इनपुट का डाटा किस टाइम जो है वो ट्रांसफ़र होगा। मल्टीप्लेक्सर को MUX भी हम कहते हैं। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे वही डायग्राम जो अभी मैंने आपको बना के दिखाई थी उसी को बनाया हुआ है। 4/1 मल्टीप्लेक्सर में 4 जो है डाटा लाइंस हैं, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सिलेक्टिव लाइन जो है S0, S1 और आउटपुट लाइंस को Y से रिप्रेजेंट किया। अब सिलेक्टिव लाइंस की वैल्यूज़ जो भी होंगी उसके मुताबिक इनपुट लाइंस में से डाटे को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कि क्या है।
अब यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा सा जो है फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि जब सेलेक्टिव लाइंस की वैल्यू है 0 0 तो क्या होगा, पहली जो लाइन से इनपुट आ रहा है वो आउटपुट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसकी जो भी इनपुट है वही आउटपुट पर ट्रांसफ़र होगी, बाकी तीनों डिवाइसेस का डाटा जो है वो रोक लिया जाएगा, या बाकी तीन इनपुट लाइंस का डाटा जो है वो रोक लिया गया। अगर वैल्यूज़ कम्बिनेशन हो सेलेक्टिव लाइंस का 0 1, तब क्या होगा, सेकंड जो लाइंस है उसका डाटा इस लाइन पे आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। 1 0 के कम्बिनेशन में लाइन 3 का, और 1 1 अगर इनकी वैल्यूज़ हो सेलेक्टिव लाइंस की तो डिवाइस नंबर 4 का। 2 जो है सेलेक्टिव लाइंस में इनपुट जो है लाइंस 4 हो सकती हैं, और इसके कम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 या 1 1 हो सकते हैं, ये हमने अभी इसमें देखा है इस स्लाइड्स में। और यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि किस वैल्यू पे कौन सी डिवाइस का डाटा जो है आउटपुट लाइंस पे ट्रांसफ़र होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ, और यहाँ पे अब हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। सेलेक्टिव लाइंस मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास 2 सेलेक्टिव लाइंस हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट किया S0 और S1 से, और इस पे ये जो है S0 और S1 पे इसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमने आउटपुट लाइन जो है वो बनाई, और इनपुट जो लाइंस हैं उनका नंबर ये हुए 0 1 2 3। ये वैल्यूज़ 0 0 हैं तो हमारे पास जो पहली लाइंस है उसका जो डाटा है ये आउटपुट पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, यही आउटपुट पे ट्रांसफ़र होगा। 0 1 के केस में जो सेलेक्टिव लाइन 1 है उसका डाटा नेक्स्ट सेलेक्टिव लाइन का 2 का, 1 0 पे जो है I2 का डाटा, और 1 1 पे जो हमारे पास फोर्थ इनपुट लाइंस है उसका डाटा जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना ये जो फंक्शंस है इसको बनाते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि y पे जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, I0, ठीक है, I0 के साथ आप देखें S1 ये भी 0 है, सोप एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका हम क्या ले लेंगे, बार ले लेंगे, और S2 का S0 का भी जो है हम बार लेंगे। तो हमारे पास जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो I0 के लिए वो हमने अपनी फर्स्ट डिवाइस के लिए सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से I1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 S1 का अब हमने बार नहीं लेना, और उसके बाद हमें S0 का बार, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। मीन्स कि किसी आउटपुट के भी सॉल्व करने के लिए हमें एक एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी 3 इनपुट्स होंगी। इस तरीके से हमारे पास 4 जो हैं वो एंड गेट्स आ जाएंगे। अब इन 4 में से किसी एक का जो भी है डाटा वो है इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस हो रहा होगा, लाइन 0 का, 1 का, 2 का या 3 का, कोई एक एंड जो है वो 1 देगा। अब इन चारों एंड्स को हम और के साथ मिला के लॉजिक अपना सर्किट्स कंप्लीट कर लेंगे, और लाइंस पे जो है वो जो है उसी जो भी हमारे पास एंड का डाटा प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लॉजिक एक्सप्रेशन जो है इसी बुलियन फंक्शंस का मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ कि I0 इज किसके, I0 S0 बार और S1 बार। अभी हमने यहाँ पे ख़ुद इसको सॉल्व करके देखा, सेम वे I1 के लिए I1 S0 और S1 बार, S0 और S1 बार, यहाँ पे जो है वैल्यूज़ उसने जो एक्सप्रेशन है ये अपने जो है लिख लिया, ठीक है, और इसको हमने मुकम्मल जो है एक्सप्रेशन हासिल कर लिया। या अगर आपको इसमें मसला हो रहा है तो काइंडली मुझे बताएंगे, मैं आपको यहीं पे ही जो है इसका एक्सप्रेशन भी दोबारा लिख के दिखा देता हूँ कि आइए देखें जी, I1 S0 इसका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, और S1 जो है ये बगैर बार के, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। इस तरीके से ये चारों का आप हमने जो है वो एक्सप्रेशन निकाल लेना है।
अब उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, हम जो है लॉजिक सर्किट बनाते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है जी, सबसे पहले I0 था, I0 के साथ हमने जो था कि S1 लाइन और S2 लाइन, अगर आपको ने एक्सप्रेशन देखा हो तो इसके साथ हमें क्या है इनके बार की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने NAND नॉट गेट भी लगा ली है और इनके जो है हमने बार भी प्रोड्यूस कर ली है, S1 का भी बार और S0 का भी बार। I0 के केस में I0 एंड हो रहा है S0 बार के साथ और S1 बार के साथ, ये हमने जो है एक एंड गेट के ज़रिए इस सर्किट को I0 के लिए कंप्लीट कर लिया। सेम वे I1 के लिए हमारे पास क्या था, I1 के लिए ये था कि S0 की वैल्यू और S1 का बार, यहाँ से हमने ये दो लाइनें ले ली और इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। I2 के लिए जो था हमारे पास S0 बार और S1 की जो है वो वैल्यू आई, हमने उसको उनके दरमियान एंड परफॉर्म कर लिया। और I3 के लिए I3 और ये जो था ये S0 और S1 के साथ एंड किया गया। अब ये चार एंड हो गए, अब इनका रिज़ल्ट हमने एक और के साथ क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर की जो है लॉजिक सर्किट हमने डिज़ाइन कर लिया, वो बना लिया और इसके ज़रिए अब वो जो हमने ऊपर जो डिस्कस किया था ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर, इसको अब हमने सॉल्व कर लिया। कोई भी वैल्यूज़ जो भी S1 और 0 की जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके अकॉर्डिंग जिस भी इनपुट का डाटा प्रोड्यूस होगा, अब इनकी वैल्यूज़ के मुताबिक किसी एक डिवाइस का डाटा जो है, किसी एक एंड का डाटा जो है वो प्रोड्यूस होगा, बाकी तीन का जो है वो डाटा 1 नहीं होगा। अब और हो रहा है तो इसमें 3 वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हैं और जस्ट 1 वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये y जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये भी y1 प्रोड्यूस करेगा। ये 1 वही जो रिज़ल्ट जो भी वैल्यू इसको आ रही होगी, जो भी इसको ऑपरेशन एंड 1 दे रहा है वही डाटा इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए मज़ीद लाता रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर के ऊपर होगी। तब तक के लिए गुड बाय।